ये तो फैन से फाइट चल रही है इसकी। क्या खा लिया तू गुले? अरे देखो ये कौन है यहाँ पे, इस कैमरे के अंदर कौन दिख रहा है? आपके बाल तो मैं छोटी बना दूँ आपके बालों की। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल डुगु का अन्नप्राशन हुआ है और मुझे आज से डुगु का खाना शुरू करना है, पर मैं अभी नहीं दे रही हूँ उसे कुछ भी, क्योंकि हम लोग के पास यूटेंसिल्स नहीं हैं। मतलब अपना कुकर है, अपनी कढ़ाई है, बट उसमें मसाले बनते हैं, येलो येलो टाइप के हो जाते हैं ना बर्तन। तो मैं इसके लिए कुछ फ्रेश बर्तन लाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डुगु के लिए रहेंगे, जैसे छोटा पैन, छोटा कुकर। तो अभी हम लोग जाएंगे, शाम रात को मैं राजा को लेके जाऊंगी ताकि इसके लिए हम बर्तन लेके आ पाएँ और फिर मैं इसकी जो खाना है वो बनाओ। तो आज रात को ही हम इसको इसका पहला खाना देंगे। तो जब भी आप बच्चे का खाना करने वाले हो, मतलब शुरुआत करने वाले हो, तो कोई भी डिश अगर आप बना रहे हो तो 3 दिन तक देख के देखिए कि वो सूट हो रही है, क्योंकि कई बार बच्चों को फूड एलर्जी भी रहती है और आपको पता ही चलेगा अगर आप सब कुछ एक साथ देना शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर 6 मंथ हो गया तो सब कुछ एक साथ देना शुरू कर दो। तो अभी मैं शुरुआत करूँगी, मैं सोचूँ दलिया या खिचड़ी से, और बिना नमक बिना शुगर। तो इसे मैं अभी 1 साल तक तो सॉल्ट एंड शुगर शुरू नहीं कराऊंगी। मम्मी आपका खाना बनाएगी रात में, अभी आप पियोगे दूध। तो ये दूध पी ली थी इसने और मैंने ना इसे मालिश करके नहला दिया था। इसके बाल पता बहुत अजीब हो रहे, जैसे शैम्पू करती हूँ ना मैं इसे, तो इसके बाल वैसे हो जाते हैं। तो मैंने इसे अभी 2 दिन लगातार नहला दिया। वैसे मैं इसे ऑल्टरनेट नहला रही थी, पर अभी थोड़ा सा धूप निकल रही है तो इसलिए मेरे को लगा नहला देते हैं। तो मैंने इसे उसके बाद अंदर इनर बना के रखी है, नीचे भी इनर है, ऊपर से ये होती है। ये कैसे दिख, आ मुझे क्या हुआ, मुझे पिंपल हो गया यहाँ, कैसा लग रहा है? ये कैसे दिख रही है, ये कैसे दिख रही है, कैसे दिख रही है? तो अभी मैं खाना लगा रही हूँ। तो राजा जो है वो बाहर से ही खा के आ गए, क्योंकि राजा ने बहुत सारा काम था। और यहाँ पे देखिए ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, ये वॉश करने, तो मशीन अभी लगा के रखी हुई है मैंने। मुझे भूख लग गई है, कल का ही पुलाव रखा है मटर वाला, और मैंने रात में दाल कुक कर ली थी वो रखी हुई है। तो इतनी भयानक भूख लग रही है, मैं राजा से बोल रही हूँ मैं चक्कर आ रहा है, मैं खाना खा रही हूँ पहले, उसके बाद में मैं आगे के जो काम है वो निपटाती हूँ। राजा डुगू को लेके गए हैं छत पे, तभी वो छत पे गए, थोड़ी धूप वूप सेक रहे हैं वो छत पे। के चावल दाल जो है ना वो गर्म कर रही, दाल थोड़ी थिक हो गई थी, ठंड में ना जम जाती है दाल, तो उसे गर्म कर रही। बाकी जो दाल है ये भी रखी हुई है, राजा खाएंगे। तो मैं थोड़े से चावल और सब्जी वब्जी देखती हूँ बनाते हुए। खाना जो है ना मुझे रेडी भी करना है, पर खाने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है। सुबह से सिर्फ काम ही काम देख रही हूँ। जूते यहाँ पे रखे हुए, ऐसे पहले जूते बना दो। हाँ तो मैंने पुलाव में दाल मिला ली, अब मैं खा लेती हूँ, तैयार हो गई हूँ। और ना अभी हम लोग जा रहे हैं इसके बर्तन देखने और इसके लिए डायपर्स लेने, और डायपर मैंने चेंज करे हैं, वो वाला डायपर अच्छे हैं। तो ये पैम्पर्स के लिए मैंने पहले मैनी पोको पैक्स के लिए थे, मैनी पोको पैक्स ही है ना, बट वो ओवरनाइट लीक कर जाते हैं, तो वो नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ बीच बीच में कि कौन से अच्छे रहेंगे, और से रैशेज भी कम हुए, वो एलोवेरा वाले आते हैं पैम्पर्स के वाले, तो वो भी लेने जा रहे हैं। एंड प्लस इसका जो सामान है वो भी बर्तन। गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी खो गई है घर में। चलिए तो मैं ऐसे डबल बना के रखा हूँ। डुगु कहीं आपने तो नहीं ली मेरी गाड़ी? डुगु ने तो नहीं ली है? डुगु नहीं ली है, फैन के रखी दीजिए। छोटा कुकर, छोटा कुकर कितने लीटर का? जो सबसे छोटा हो। यूनाइटेड का दे दे भाई। आइटम
सामान लिया है। आके मैंने जो गोभी है वो गरम पानी में नमक डाल के छोड़ दिया, उसे मैं अभी 15 मिनट तक छोड़ूंगी, उसके बाद जो गोभी है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सामान जो हम लोग लेके आए। तो ये वाला पैम्पर जो है वो मैं लेके आई। पहले हम लोग प्रीमियम यूज कर रहे थे, बट मेरे को पता नहीं लगा कि डायपर चेंज करने से उसके रैशेज में इफेक्ट पड़ा है। कई बार होता है कि ये वाला आपको सूट ना करे बेबी को और दूसरा कर जाए। ये वाला एलोवेरा वाला है एंड ये वाला काफी अच्छा। तो उसके मैंने ना दो छोटे पैक मंगवाए थे 99 वाले, आई थिंक उसमें 8 आते हैं या 7 आते हैं या 5 आते हैं पता नहीं बस। तो वो मंगवाए थे, वो यूज करे मैंने और उसके बाद पता उसे रैशेज वगैरह जो थी उसकी समस्या थोड़ी दूर हुई है। और फिर मेरे को लगा इसका पूरा वाला पैक ले आते। तो ये जो है ये है 98 पेंट्स का। तो एक तो ये लेके आ गया है, ये आपको अभी बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि ठंड हो रही है, बच्चे को बहुत ज्यादा भी आप डायपर फ्री नहीं रखते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डुगुगा अनप्राशन, तो आप लोगों ने आई थिंक वीडियो देख ली होगी जब तक ये ब्लॉग जाएगा। तो उसके लिए बर्तन लेके आने, तो बर्तन जो थे प्लेट वगैरह उसके लिए है मेरे पास, मेरे पास सेपरेट प्लेट्स रखी हुई है, कटोरी रखी है, चम्मच रखी है। तो मैं उसके सारे बर्तन अलग करके रखूंगी क्योंकि हम लोगों का जो खाना है उसमें मसाला वसाला भी होता है। तो मैंने उसके जो यूटेंसिल्स है कुक करने वाले वो अलग कर दिए। तो कढ़ाई नहीं लाई, कढ़ाई की फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसे। एक मैं ना छोटा ये पैन भी ले आई हूँ डुगू के लिए, और इसमें जैसे कुछ उसके लिए ही खाना बना रहे, लाइक दलिए को एक बार कर ही रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक ले आई हूँ, सिर्फ डुगू का है, ओनली फॉर डुगू। और इसमें हम लोग खुद के लिए कुछ भी नहीं मतलब वो नहीं करेंगे। एक छोटा सा चमचा भी मैं ले आई थी, ये क्यूट लग रहा था चमचे, हालांकि बहुत है बट मेरे को लगा इससे कुक करने में मजा आएगा। तो एक मैं ये ले आई। उसके बाद फिर हम लोग ना स्टार्च फ्री राइस खाते हैं, तो जो रहता है ना मांड बोलते हैं उसे, तो जो मांड है ना वो मैं निकाल देती हूँ चावल की और उसके बाद हम राइस खाते हैं। वो हैबिट है मुझे बहुत टाइम से, मतलब कि जब शादी हुई उसके बाद से ही मैं ऐसी राइस खा रही हूँ। तो मेरी जो थी छन्नी टूट गई थी, एक मैं ये ले आई हूँ फॉर ड्रेनिंग राइस। स्पेशली ये मैं राइस के लिए लाई हूँ, उससे बताई, वरना इसमें आप वेजिटेबल और बहुत सारी चीज़ें वॉश कर सकते हो। उसमें छेद छेद हो गया जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं हेक ले आई हूँ। उसके बाद फिर ना ऑब्सेशन ऑफ मग, ये दो मग ले आए थे। क्या हमारे कॉफी मग जो है ना जो हम सरोजनी से लेके आए थे वो लीक कर रहे हैं, जैसे उसमें हमने दो बड़े वाले यूज किए थे एंड द वाटर वॉज ड्रिपिंग उसमें से, नीचे से टपक रहा है उसमें से। तो सीरियसली वो तो बैड डील थी, बट हाँ जो दो सूप मग है वो काफी अच्छा है। तो ये दो मग ले आए कॉफी, और एक ये। तो पता क्या है, हम यूटेंसिल्स की जो मेन शॉप थी उसी से गए, यहाँ पे सिर्फ बर्तन ही बर्तन मिलते हैं क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिख रहा है और सामने सामने दिखता है। और उसके बाद फिर मैं लेके आई हुई हॉकिंस का। हॉकिंस का एक 1 लीटर वाला था और एक था ये 1.5 लीटर वाला, तो 50 रुपए का डिफरेंस था। तो मेरे को लगा कि 1.5 लीटर का लेते हैं, 1 लीटर थोड़ा छोटा सा लग रहा था, 1.5 लीटर भी छोटा ही है हालांकि। तो नाम है मिस मैरी हॉकिंस, तो ये छोटा वाला है। तो ये डुगू के लिए बर्तन है एक, ये है इसका ढक्कन, छोटे कुकर और बड़े कुकर में सिर्फ 2-3 रुपए का अंतर है, ज्यादा ज्यादा 3-4 रुपए का। हम उससे कह रहे थे वो था जितना कॉम्पैक्ट कुकर होगा वो उतना ज्यादा महंगा होता है। वारंटी कार्ड ना, तो कुकर लुक सो क्यूट, जो 1 लीटर वाला था वो भी क्यूट था और 1.5 लीटर वाला भी क्यूट है। तो ये है डुगू का एक बर्तन जिसकी बहुत जरूरत थी, और अब डुगू का खाना इसमें बनेगा डुगू। तो ये हॉकिंस का एक्चुअली ना कुकर हमेशा थोड़े से जो आपके जैसे यूनाइटेड हो गया, प्रेस्टीज हो गया, हॉकिंस हो गए, ऐसे ही ब्रांड के लेने चाहिए। कई बार कुकर क्योंकि ब्लास्ट हो जाते हैं और यू नो फेवर ब्लास्ट होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो। और उसके बाद पता है हम ये लेने नहीं गए थे, पर एकदम से हम लोग का ऐसा प्लान बना के ले लेते हैं। तो हमारे पास हमने विशाल से 700 या 750 की कैटल खरीदी थी अराउंड 4-5 ईयर्स बैक, एंड उसके बाद हमने उसे यूज किया और फिर राजा ऑफिस ले गए
एंड ऑफिस में उन्होंने यूज नहीं किया, उसका डस्ट वस्ट और पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया, तो मुझे वो केटल थी वो इन शॉर्ट खराब ही हो गई। तो अभी हम लोग लेके आए हैं ये प्रेस्टीज की इलेक्ट्रिक केटल। तो डुगू का फॉर्मूला बनाते 12 पानी गर्म करो 12 पानी गर्म करो, तो केटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी फटाफट गर्म करके बहुत सी चीजें होती है, जैसे मैं थोड़ा पानी भी दूंगी तो मैं थोड़ा बॉयल वॉयल कर लूंगी, ऑल्दो फिल्टर्ड वाटर है बट फिर भी थोड़ा बॉयल कर लेंगे तो और सेफ्टी, थोड़ा हल्का गर्म भी रहेगा। इसका वायर मैं कोई इसकी वायर की लेंथ देखना चाहती हूँ, क्योंकि वायर की अगर लेंथ कम हुई तो छोटी सी फुग्गे वाला आया। ओह इतनी अभी मैं इसकी खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं आई हूँ अभी रसोई में, थोड़ी देर में दाल और इसकी मैं इसके लिए ना मूंग दाल और अभी अरहर की दाल, तो पता नहीं यार मैं कैसे दूंगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा अरहर की दाल देनी है नहीं देनी है, बताइएगा ये गैस ना बने उससे। आया मुंह में पानी, आया मुंह में पानी, आला है मुंह में पानी यार। इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बनाएंगे और तब मैं थोड़ी देर बाद आला मुंह में पानी, मुंह में पानी आला है डुगू के। देखो क्या है, देखो इधर देखो, ये देखो डुगू। तो अभी बनाएंगे हम इसका खिचड़ी, है ना, मूंग दाल और दाल और मूंग दाल और चावल और गाजर। हाई मैं देख बनाती हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक जार अलग से रखा हुआ, दो जार मेरे अनयूज्ड है, तो वो जार मैं हमेशा छोटा वाला रखूंगी डुगू के लिए, क्योंकि उसको, क्योंकि मैं अपनी जो मेन मिक्सी के जार है उनमें मैं ना मैं वो ही पीसती हूँ, क्या बोलती हूँ अब मिर्ची मसाला भी, तो मैं सोच रही हूँ हैंड ब्लेंडर भी ला सकती हूँ मैं, कि उससे भी जैसे थोड़ा दरदरा वगैरह देना है, पर अभी दरदरा तो नहीं लूँगी मैं क्योंकि इसकी दाँत ही नहीं है। तो मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले मूंग दाल और राइस। राइस जो है वो मुझे काट के इसमें डालने में है। ये है मूंग दाल, ये है चावल, एक चम्मच चावल। हाय कितने से चावल है, एक चम्मच चावल, तो मैं फ्रेश ही बनाऊंगी, मैं रखने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद एक चम्मच और आधी चम्मच, तो मैं रागी से भी खिचड़ी या दलिया या सैलेड फॉर्म में भी बना के दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से करीबन 3 से 4 बार मैं इसे क्लीन वाटर में वॉश करूँगी। तो जब तक पानी एकदम क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इसे वॉश करती रहूँगी। क्या हो गया, कैसे हीवे मिमिक यू, ऐसे रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए अराउंड 15-20 मिनट्स, ये थोड़े फूल जाए। गैस ऑन कर रही हूँ और अब हम बनाएंगे अद्विक का खाना। राजा आपको कैसा फील हो रहा है अद्विक को पहली बार खाना खिला रहे हैं? मिस मैरी तो देखो, मिस मैरी कुकर, यहाँ पे कुकर हो गया थोड़ा गरम, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा लाइक अब इतना सा घी डाल रही हूँ, और सब्जी भी डाल सकते हैं जैसे बीन्स भी है इसमें, जो दाल और चावल है
वो डाल रही हूँ। तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी ली है, चावल कम है दाल के हिसाब से, इसकी कंसिस्टेंसी जो है। तो पानी अच्छे से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, और इसमें आप मटर बीन्स डाल सकते हैं, और कोई सब्जी मत डालिएगा क्योंकि थोड़ी रिस्की हो जाती है। मैं मटर भी नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि जितना कम रखूँ मैं अभी उतना अच्छा है। और मैं कुकर को कर रही हूँ बंद। जार निकाला है ना, मैं इसमें ना ज्यादा पानी लूंगी, गाजर तो इतना मैं भी पीस रही हूँ इसके लिए। शुगर सॉल्ट कुछ भी नहीं डाला है मैंने। तो ये है डुगु की फीड। अब मैं लेके जाती हूँ और देखती हूँ किसका क्या रिएक्शन होने वाला है। और मैं इसको इस पे खिलाऊंगी, क्योंकि अभी ये उस पे बैठता और रोना शुरू कर देता है। वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि अभी बैठ नहीं रहा है, लाइक सपोर्ट से बैठता है और बैटरी इज डाउन बिना नमक के। क्या खा लिया दुगुले? दुगुले क्या खाया है? ओ नहीं अच्छा लगला? अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओ कैसे? ये दुगु शॉक नहीं, पर अच्छा खुश हो रहा है। नहीं मांग रहा है वो, हाँ मांग रहा है, हाँ खा रहा है। अच्छा बच्चे के लिए नमक और मिर्च क्या है? मांग रहा उसके लिए चेंज है वो। चेंज? मांग रहा है। इट्स हेल्दी। कैसे? कैसे? तो हम इसे पूरा फीड नहीं कराएंगे ज्यादा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा थोड़ा देख के मैं देख रही हूँ, क्योंकि कई बार माँ बाप इतने एक्साइटेड होते हैं, जो कि मैं भी हूँ कि यार सब खिला देते हैं, ये भी खिलाएंगे वो बनाएंगे वो बनाएंगे, बट नहीं, बच्चा छोटा ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका भी थोड़ा वही है कि बन ही रहे हैं, सब कुछ अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, तो इतना लोड नहीं डालना है ना। दिन में दलिया खाएंगे, कल हम दिन में दलिया खाएंगे। तो अब मैं इसे इतना ही पिला रही हूँ। यहाँ मैंने ये पूरा जो है ये रख रही हूँ मैं, क्योंकि एकदम से मैं से ओवर फीड या एकदम से बहुत सारा आप नया बना रहे तो नहीं मैं फीड करा सकती थी इसका, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 9 to 12 month के कपड़े एंड फिट है ये देखिए पूरे, ऐसा नहीं कि लूज है। हालांकि मैंने एक चीज के ऊपर पहना के रखे, फिर भी ऐसे नहीं है कि एकदम वो एकदम फिट हो गए हैं। हम शोई शोई करेंगे। Oh!
डुगू ने पहली बार फैन मतलब कि डुगू फैन मतलब देखा नहीं है ना, वो फैन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। क्या है डुगू वो? भाई कैसी लाते मार रहे मेरी तफसे दिए। ये तो फैन से फाइट चल रही है इसकी, आपको नहीं पता था मायका में फैन है। सीलिंग फैन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ले बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। बाय कर दो, बाय कर दो। पापा को देख के तो क्या खुशी है इसको।